हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू कैंपस एक्स। इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक कैट डॉग क्लासिफायर बनाया था। आज के वीडियो में हम लोग एक नया टेक्निक सीखने वाले हैं जिसको यूज़ करके आप डेटा बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इस टेक्निक का नाम है डेटा ऑगमेंटेशन और इस टेक्निक को यूज़ करके आप डेटा क्रिएट कर पाते हो। सो लेट्स से अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, किसी CNN प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और आपके पास जो डेटा है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, तो यूजिंग डेटा ऑगमेंटेशन आप डेटा जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आज का जो वीडियो है ये एक्चुअली मेरा एक पुराना सेशन है, उसका रिकॉर्डिंग को ही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। रीज़न बीइंग आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो शूट करने का, और ये जो रिकॉर्डिंग है पुराने सेशन का ये काफ़ी अच्छा है और इसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि डेटा ऑगमेंटेशन कैसे काम करता है। तो दोनों चीज़ें हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग डेटा ऑगमेंटेशन के बारे में जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे, उसको एक सिंगल इमेज के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे और फिर वापस आकर के हम कैट वर्सेस डॉग क्लासिफायर में ही डेटा ऑगमेंटेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, पूरा एंड तक देखना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डेटा ऑगमेंटेशन क्या होता है मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। सो डेटा ऑगमेंटेशन इज अ सिंपल एंड स्मार्ट टेक्निक यूजिंग विच यू रिड्यूस ओवरफिटिंग। इनफैक्ट आप दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। पहला प्रॉब्लम, मैं एक्चुअली ये ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जब आपको टाइम मिले तो ये ब्लॉग पढ़ना। ये केरास जिसने क्रिएट किया था उसने लिखा ये ब्लॉग, और इस ब्लॉग का टाइटल है बिल्डिंग पावरफुल इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल्स यूजिंग वेरी लिटिल डेटा, ठीक है। तो डेटा ऑगमेंटेशन में क्या करते हो कि लेट्स से आपके पास एक फोटो है, ठीक है, तो आप उस फोटो से और नई फोटोज क्रिएट करते हो। दैट्स द होल आइडिया, ठीक है। आई विल शो यू, जैसे यहाँ पर आपके पास ये एक इमेज है, ठीक है, दिस इज वन इमेज। अब आप क्या करोगे, यूजिंग केरास आप इसी फोटो से और फोटोज क्रिएट करोगे बाय अप्लाइंग सर्टेन इमेज ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, शिफ्टिंग, रोटेटिंग और जूम, जूम इन जूम आउट, वर्टिकल फ्लिपिंग, हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग, शेयर, अलग अलग तरह के ऑपरेशंस होते हैं। उससे आप क्या कर रहे हो कि आप लाइक मल्टीपल इमेजेस जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर लेट्स से आप एक ऐसे डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो जहां पर आपके पास उतना डेटा नहीं है, और यू नो कि डीप लर्निंग इज ऑल अबाउट डेटा, डेटा बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो अगर आपको डेटा नहीं मिला आपको उतना ज्यादा, तो आप क्या कर सकते हो, डेटा जनरेट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है, यूजिंग दिस टेक्निक। ओके, सो सबसे पहले इसको यूज करने का रीजन क्या है कि अगर आपको डेटा नहीं है तो आप डेटा जनरेट कर सकते हो। और एक्चुअली ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि अभी हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कैगल पे जाके डेटा उठा लेते हैं, राइट, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, हम कोई एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हम सिर्फ सीख रहे हैं। बट अगर आप कंपनीज के टर्म में सोचो तो कंपनीज के टर्म में क्या होता है ना कि डेटा गैदरिंग खुद में बहुत डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से आप एक स्टार्टअप हो, लेट्स से मेडिकल फील्ड में कोई स्टार्टअप हो, जैसे ये फार्म इजी या फिर ये जो भी दवाइयों की कंपनीज हैं, लेट्स से आप इस डोमेन में हो, आपकी कंपनी है, और आपको एक आई डोंट नो मलेरिया डिटेक्शन का एक क्लासिफायर बनाना है, ठीक है। अब मलेरिया डिटेक्शन का क्लासिफायर के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सेल के इमेजेस चाहिए, बायोलॉजिकल सेल के इमेजेस चाहिए। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आप वो डेटा गैदर कैसे करोगे, क्योंकि आपको एक्चुअल पेशेंट्स का डेटा चाहिए, एक्चुअल पेशेंट्स के बायोलॉजिकल सेल्स का फोटो चाहिए, राइट। अब वो तो आपको लेकर के आने में आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा ना, लाइक देयर इज कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। तो वहां पे 1000 डेटा भी मिलना बड़ी बात है, 10,000 की खोज में जाने में तो आपको बहुत पैसे लग सकते हैं। तो इफ देयर इज अ फील्ड वहां पे अगर बहुत कॉस्टली है डेटा एक्विजिशन, तो डेटा ऑगमेंटेशन टाइप का टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा हेल्प होता है, मेडिकल डोमेन में। सेकेंड, डेटा ऑगमेंटेशन क्यों अच्छा है, उसका रीजन क्या है कि ये ओवरफिटिंग को रिड्यूस करता है। कैसे, लेट मी टेल यू। जैसे लेट्स से आपके पास फोटोज हैं कैट्स की, और हर बार जो कैट है वो लेफ्ट साइड में देख रही है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, ये ब्राउन वाली कैट हमेशा लेफ्ट साइड में देख रही है, राइट। अब सारी फोटोज में जितने भी कैट्स हैं सब लेफ्ट साइड में देख रही हैं, तो अब हमारा मॉडल हो सकता है कि ये फीचर पिक कर ले कि ये जो स्पीशी है अगर वो लेफ्ट साइड में देख रहा है तो उसके कैट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, राइट। वो एक ऐसा फीचर पिक कर सकता है, जबकि एक्चुअल वर्ल्ड में ये कोई फीचर नहीं है, कैट दोनों साइड देखती है, राइट। तो अब क्या करोगे, आप इस इमेज को उठा करके
लाइक इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दोगे, जैसे इसको इसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो अब कैट राइट साइड भी देख रही है, तो अब आपका मॉडल जनरलाइज करने लग जाएगा और वो सोचने लगेगा अच्छा अच्छा नहीं नहीं वो लेफ्ट में भी देखती है वो राइट में भी देखती है, तो ओवरफिटिंग का चांस रिड्यूस होता है। ठीक है, तो दीज आर द टू मेजर रीजंस जिसकी वजह से आप यूज करते हो डेटा ऑग्यूमेंटेशन। ठीक है, फर्स्ट इज टू जेनरेट डेटा अगर आपके पास डेटा नहीं है, एंड द सेकेंड इज ओवरफिटिंग रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक केरास में एक मॉड्यूल है इमेज डेटा जनरेटर, इसको यूज करेंगे हम लोग और इसी को यूज करके हम लोग डेटा जनरेट करेंगे। ठीक है, तो एक काम करो गाइस, हम लोग दो तरीके से पढ़ाई करेंगे, पहले हम लोग एक सिंगल इमेज के ऊपर इस तरीके से इमेजेस जनरेट करेंगे, फिर हम लोग पूरे के पूरे फोल्डर के ऊपर करेंगे। ठीक है, जब हम लोग एक्चुअल मॉडल बिल्डिंग करेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, एक नया फोल्डर बना लो अपने जुपिटर नोटबुक में और जस्ट मेक श्योर आप वहां पर कुछ ऐसा सेटअप हो, आई विल शो यू, ऐसा सेटअप रखो वहां पे कि अगर आप वहाँ पे जाओ, मैंने आप लोगों का एक अलग फोल्डर ही बना दिया है, सो अगर यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे हाँ मुझे एक ऐसा सेटअप चाहिए कि आपका एक फोल्डर हो जाए और उस फोल्डर में आप एक कोई इमेज रख लो, बस सिर्फ एक ही इमेज चाहिए, कैट का भी चलेगा डॉग का भी चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस एक इमेज चाहिए, कोई भी इमेज चलेगा, कैट डॉग के अलावा भी कुछ चलेगा। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया फाइल बना रहे हैं। ठीक है, एक नया फाइल बना रहे हैं इस जगह पे। ओके, सो बेसिकली यहां से आप ट्रेन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। या सो ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है ये पूरा चीज। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज, इनफैक्ट एक काम करते हैं, मैंने ऑलरेडी लिख ही रखा है ये पूरा कोड, मैं ट्राई कर रहा था सब कुछ, तो मैं आपको वॉक थ्रू करवाता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा और टाइम भी बचेगा। ठीक है, सो व्हाट यू डू इज द फर्स्ट थिंग इज कि आप ये दो चीजों को इंपोर्ट करते हो, फर्स्ट इज केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज से इमेज डेटा जनरेटर जो आपको ये इमेजेस जनरेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और सेकंड इज दिस इमेज, ये ओपन सीवी की तरह बिहेव करता है, ये लाइक केरास के अंदर है और ओपन सीवी टाइप्स ये आपको इमेजेस के ऊपर काम करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने दोनों को यूज किया। सो जैसे आप ओपन सीवी यूज करके आई एम रीड करते हो, बिल्कुल वैसे ही आप इमेज को यूज करके इमेज डॉट लोड इमेज करते हो। ठीक है, वहां पे मैंने क्या किया, मेरा पाथ बता दिया, मेरा पाथ ये था train.cat18.jpg, जो भी मेरा इमेज का नाम था, ये रहा मेरा इमेज का नाम cat.18। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया कि इसको इंपोर्ट करते टाइम ही मैंने बता दिया कि इसका साइज होना चाहिए 200x200, ये मेरा डिजायर्ड साइज है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, ये इमेज मेरा ऑलरेडी आ चुका है तो मैंने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करके बस उसको रन कर दिया। एक्चुअली इसको ये करने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आप सिर्फ इतना भी करोगे ना तो ये, जस्ट वन सेकेंड, इन दोनों को हम लोग एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको भी एक बार रन कर लेते हैं और इसको एक बार रन करने से वो डायरेक्टली भी आ जाता है, आपको मैटप्लॉटलिब यूज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी तक बस इतना किया है कि केरास प्री प्रोसेसिंग वाले इमेज को यूज करके मैंने बस इमेज को लोड किया है और उसको एक डिजायर्ड साइज में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब एक चीज और, ये जो टाइप है, जैसे जब आप ओपन सीवी में इंपोर्ट करते हो तो नंपाई एरे होता है, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ये पीआईएल इमेज होता है। ठीक है, पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी का ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको आप नंपाई एरे नहीं समझ सकते, दिस इज नॉट नंपाई एरे, इसके ऊपर आप डायरेक्टली नंपाई ऑपरेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, ये मेन लाइन है, दिस इज द मेन लाइन। ठीक है, और ये सारा कोड गाइस बाय द वे मैंने इस ब्लॉग से उठाया है, लाइक एवरीथिंग इज फ्रॉम दिस ब्लॉग, आज का सारा कोड एक्चुअली इस ब्लॉग से ही है, ये बहुत अच्छा है, डेटा ऑगमेंटेशन के लिए ब्लॉग बहुत अच्छा है। सो या हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डेटा जेन बोल के, ये जो क्लास हमने इम्पोर्ट किया, इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बाय द नेम ऑफ डेटा जेन। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ पैरामीटर्स में कुछ वैल्यूज पास की, जैसे एक वैल्यू क्या है, रोटेशन रेंज। ठीक है, रोटेशन रेंज मैंने 0.2 क्यों दिया है, दिस शुड बी 30 टाइप्स, यहाँ पे कैसा है, हाँ यहाँ पे 40 है। सो बेसिकली ये एंगल है, लाइक आप इमेज को कितना रोटेट करना चाहते हो। ठीक है, देन देयर इज शेयर ऑपरेशन, शेयर साइकिल थोड़ा सा
डिस्टॉर्ट होता है इमेज, ठीक है, तो 1 के स्केल पे 0.2 का डिस्टॉर्शन कर रहे हैं। जूम में जूम इन भी हो सकता है, जूम आउट भी हो सकता है, और ये सब रैंडम है, मतलब 0.2 मैक्सिमम है, इससे कम में रहेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फ्लिप ट्रू कर दिया, यहाँ पे वर्टिकल फ्लिप भी होता है, बट वर्टिकल फ्लिप नहीं रखेंगे। कोई बताएगा वर्टिकल फ्लिप क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि अगर आप वर्टिकल फ्लिप करोगे तो देर इज अ चांस कि बिल्ली ऐसे उल्टा दिखाई देने लग जाए और उसका पैर ऊपर आ जाए, सर नीचे आ जाए। जनरली स्पीकिंग बिल्लियां ऐसे नहीं होती, तो वर्टिकल फ्लिप इज नॉट अ कॉमन सेंसिकल अप्रोच, वो आप नहीं करोगे, ठीक है। बिल्लियां वैसे नहीं दिखाई देती, दैट्स द रीजन, ठीक है। विड्थ शिफ्ट रेंज, मतलब आप क्या कर रहे हो, इमेज को हल्का सा खिसका दे रहे हो, ठीक है, और हाइट शिफ्ट रेंज में भी इमेज को हल्का सा ऊपर नीचे में खिसका रहे हो। सो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन आप डिफाइन कर रहे हो, दैट्स इट। आप जैसे इसमें शिफ्ट टैब मारोगे ना, आपको सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिखने लग जाएंगे, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो सब कुछ यूज करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, देखो आपको ब्राइटनेस वगैरह का भी दिखाई देगा। मेरे को दिखा था कहीं पे ब्राइटनेस रेंज है, ठीक है। सो बहुत सारे ऑपरेशन है, हम इस पॉइंट पे बस इतने ही कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने बस इनका कॉपी पेस्ट कर दिया, इन्होंने जो किया है, ठीक है, मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, जब जरूरत पड़ेगा तो देख सकते हैं, बट फॉर नाउ हमारा दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके। अब हमने क्या किया, हमारा जो इमेज यहाँ पे था इसका टाइप PIL था, मैंने क्या किया, मैंने उसको इमेज टू एरे, ये जो मॉड्यूल है इमेज, इसमें एक फंक्शन है इमेज टू एरे बोल के, इसमें मैंने अपना इमेज पास कर दिया, ये वाला इमेज। जैसे मैंने ये इमेज पास कर दिया तो इससे क्या हो गया कि ये NumPy एरे में कन्वर्ट हो गया। आई शो यू, अगर मैं यहाँ पे आपको इसको रन करके दिखाऊँ, अब टाइप ऑफ IMG, now this has been converted to NumPy array, ये NumPy में convert हो गया, ठीक है। और अगर आप इसका shape निकालो तो अभी 200x300 है, क्योंकि जब हमने import किया था तो 200x200 था, और ये color है तो 3 हो गया channel, ठीक है। और अब क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको like जब आप images देते हो ना, तो generally आपको batches के form में देना होता है कि आप कितने images दे रहे हो, तो आपको इसको reshape करके एक extra dimension add करना पड़ रहा है to tell कि कितने इमेजेस हम प्रोसेस करने वाले हैं इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम। तो मैंने बस इसको रीशेप कर दिया इनटू 1 से, लाइक अब ये कितना हो गया, इतना डायमेंशन का एक इमेज, दैट्स इट। और दिस विल बिकम माय इनपुट बैच, ठीक है, दिस इज द कोड। यहां तक कुछ खास नहीं किया, यहां तक हमने सिर्फ दो काम किया, इमेज को इम्पोर्ट किया, उसको NumPy एरे में कन्वर्ट किया, उसका शेप चेंज किया, ये पहला काम है। दूसरे काम में हमने क्या किया, हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जो हमको बताएगा कि किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने हैं। यहां तक दो काम हमने किए, ठीक है। अब थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, हम ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये जो डेटा जेन था, ये डेटा जेन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। अब इस क्लास में देर इज अ फंक्शन कॉल्ड फ्लो, ठीक है। फ्लो आप तब यूज करते हो जब आप एक सिंगल इमेज के ऊपर मतलब अप्लाई कर रहे हो, या एक डायरेक्टली NumPy एरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, और एक और होता है फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, वो तब यूज करते हो जब आपके डायरेक्टरी में सारे फोटोज पड़े हुए हैं और आप एक साथ सबको प्रोसेस करना चाहते हो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम, वो मैं इसके बाद दिखाऊंगा, ठीक है। फॉर नाउ ऐसे समझो कि हम एक इमेज के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे हैं और हम फ्लो को यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं इनपुट बैच मेरा ये रहा, और मुझे आउटपुट बैच में वी नीड 1 बैच साइज, मतलब एक बैच और फॉर्म होगा जब आउटपुट बनेगा, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, जितने भी इमेजेस बनेंगे उन सबको हम इस डायरेक्टरी में स्टोर कर रहे हैं। सो मैंने यहां पे क्या किया है, इस जगह पे इफ यू सी, यहां पे मैंने एक और डायरेक्टरी बना दिया है, अच्छा नहीं बनाया, एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पे एक नया डायरेक्टरी बना रहा हूं बाय द नेम ऑफ AUG। तो जितने भी नए इमेजेस बनेंगे वो सब यहां पे दिखाई देंगे, ठीक है, AUG के अंदर, ठीक है। तो ये लूप चला, और यहां पे अब क्या है कि दिस इज एन इनफाइनाइट लूप, लाइक यहां पे ब्रेकिंग का कोई कंडीशन नहीं है, मतलब ये नए नए इमेजेस बनाते चला जाएगा अगर आप इसको रोकोगे नहीं तो। तो हमने क्या किया, एक रोकने का कंडीशन लगा दिया, i इज इक्वल टू 0, i को इंक्रीमेंट किया, और i अगर 10 हो गया तो ब्रेक कर दे रहे हैं, मतलब 0 से लेके 9 तक ये लूप चलेगा, मतलब टोटल 10 इमेजेस फॉर्म होंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इस कोड को रन कर रहा हूं, इनपुट बैच इज नॉट डिफाइंड, इसको रन कर लेते हैं, और अब इसको रन कर लेते हैं, और रन हो गया। और अब अगर मैं अपने AUG फोल्डर में जाऊंगा तो यहां पे मेरे पास 10 इमेजेस हैं, ये रहे वो 10 इमेजेस, ठीक है, ये पहला इमेज है, ये दूसरा, तीसरा, ये देख रहे हो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं, देख रहे हो, और उसकी वजह से यहां वाले पिक्सल्स थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हैं, देखो
ठीक है, जूम हुआ था पिछले वाला, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, 1 से 10 इमेजेस जनरेट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक पैरामीटर होता है, उसका नाम है, ये क्या नाम है इसका, फिल मोड। सो कभी कभी जब आप इमेजेस को शिफ्ट कर रहे हो तो इधर वाले पिक्सल्स खाली हो जा रहे हैं, राइट। मतलब अगर आप पुश कर रहे हो तो इधर वाले पिक्सल्स खाली हो जा रहे हैं, तो उन पिक्सल के साथ क्या करना है, फिल मोड वही बताता है। जैसे फिल मोड नियरेस्ट क्या बताता है कि जो आसपास वाले पिक्सल्स हैं उसी से पॉपुलेट कर दो। तो यहाँ पे वही हुआ है, ये देखो आपके इन इमेजेस में क्या हुआ है कि जब जैसे ये इमेज थोड़ा सा शिफ्ट हुआ तो ये देखो आसपास वाले पिक्सल से पॉपुलेट हो गए, तो इसलिए अजीब सा नहीं दिख रहा, ठीक है। और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, एक ऑप्शन होता है, आई शो यू फिल मोड, एक होता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट क्या करता है, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट क्या करेगा, एक बार मैं इस कोड को फिर से रन करता हूँ। ये वाले सारे इमेजेस को मैं डिलीट कर रहा हूँ, गोइंग बैक, और इसको मैं फिर से रन कर रहा हूँ, और ये आ गए नए इमेजेस। ये देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब जो इस साइड जो था वही वापस इस साइड भी आ गया। कैसे समझाऊं मैं आपको, आई गेस आपको समझ में आ रहा है, यहाँ इस वाले पार्ट से आपको समझ में आएगा रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। सो थोड़ा सा खिसका तो इस जगह पे जो था वही पे वही कॉपी होके इस तरफ आ गया। तो ये अपने ऊपर है आपको कौन सा यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन हुआ, ये देखो ऊपर से नीचे आया तो रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। और भी होता है, एक सॉलिड होता है, सॉलिड से ब्लैक हो जाता है शायद, आई गेस एक सॉलिड होता है, देख लेते हैं एक बार उसको, सॉलिड ही होता है ना शायद, देख लेते हैं एक बार, और वापस आके इसको डिलीट कर देते हैं और इसको फिर से रन करते हैं। बाउंड्री मोड नॉट सपोर्टेड, जस्ट 1 सेकेंड, क्या क्या नाम था मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। फिल मोड इमेज जनरेटर, इमेज डेटा जनरेटर, 3 या 4 ऑप्शंस होते हैं। कांस्टेंट होता है एक्चुअली, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे सॉलिड के बदले कांस्टेंट डालना पड़ेगा, कांस्टेंट। और अब इसको रन करेंगे, गोइंग बैक, हाँ ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो हट गया सो हट गया, ब्लैक हो गया वो सी। यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं, आप देख लो आपके पास किस तरीके का डेटा है। अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसा डेटा है जिसमें चारों तरफ ब्लैक है तो कॉन्स्टेंट विल बी बेटर, या फिर रिफ्लेक्ट अच्छा काम कर सकता है, या फिर आई डोंट नो, जो भी आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ डेटा ऑगमेंटेशन वर्क्स, ठीक है। ये एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है और इसको देख करके आपको अच्छे से समझ में आएगा कि डेटा ऑगमेंटेशन बिहाइंड द सीन्स क्या कर रहा है। वो एक ही इमेज को लेकर के उसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा है और इन अ वे आप सस्ता डेटा क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो अब नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम करता है, अब हम क्या करेंगे, हम डेटा ऑगमेंटेशन यूज करके कैट डॉग क्लासीफायर वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में जब हम कैट डॉग क्लासीफायर बना रहे थे तो वहां पर हमने 23,000 इमेजेस के ऊपर काम किया था, ठीक है। बट आज हम क्या करने वाले हैं, मैंने क्या किया है, आज मैंने डेटा रिड्यूस कर दिया है जानबूझ के। मैंने यहाँ पे, ये रहा मेरा डेटा फोल्डर, इसमें 3 अलग अलग फोल्डर्स हैं, ट्रेन, वैलिडेशन, टेस्ट, ठीक है। अगर मैं ट्रेन में घुसूं तो कैट्स और डायग डॉग्स बोल के फोल्डर है, कैट्स में अगर घुसूं तो सिर्फ 1,000 आइटम्स हैं, ये देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है 1,000 आइटम्स हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डॉग्स में घुसूं तो सिर्फ 1,000 आइटम्स हैं, मीन्स मैंने डेटा बहुत कम कर लिया। पहले मेरे पास 12,500 कैट्स थे, 12,500 डॉग्स थे, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास उतना डेटा है ही नहीं, मतलब डेटा ही कम है, तो क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको 2 केसेस दिखाऊंगा। फर्स्ट केस इज कि मैं नॉर्मल विदाउट डेटा ऑगमेंटेशन इस मॉडल को ट्रेन करूंगा 2,000 इमेजेस के ऊपर और आपको एक्यूरेसी दिखाऊंगा, और फिर मैं डेटा ऑगमेंटेशन यूज करके सेम 2,000 के ऊपर रन करूंगा एंड यू वुड सी कि आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ट्रेन कर रखा है, नहीं तो फिर टाइम लगता है ट्रेन करने में। तो ये वाला जो फाइल है ये है कैट डॉग नॉर्मल,
मतलब यहाँ पे अपना डेटा ऑगमेंटेशन यूज नहीं किया है, ठीक है? और ये कोड एग्जैक्टली वही है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ये देखो, ये रही मेरी डायरेक्टरी, ये मैंने कैटेगरीज बोल के बनाया, ये मैंने वो लूप चलाया जो लास्ट क्लास में चलाया था, उसके बाद शफल किया, एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट किया, नंपाई में कन्वर्ट किया, उसके बाद मॉडल बिल्ड किया। मॉडल बिल्ड करते टाइम मैंने क्या किया है, मैंने 3 कॉन्वोल्यूशन लेयर्स लिए हैं और 3 मैक्स पूलिंग लेयर्स लिए हैं, ठीक है? 32, 32 और लास्ट वाला 64। दिस इज द आर्किटेक्चर, ठीक है? उसके बाद मैंने फ्लैटन लिया है, फ्लैटन के बाद मैंने डेंस लिया है विथ अ ड्रॉपआउट ऑफ 0.5, और फिर मैंने एक लास्ट में सिग्मोइड लगाया है आउटपुट लेयर में, ठीक है? ऑप्टिमाइजर आरएमएस प्रॉप लिया है और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लगाया। अगेन ये मेरा आर्किटेक्चर नहीं है, मैंने इस ब्लॉक का फॉलो किया पूरा का पूरा। एग्जैक्टली ये कॉपी पेस्ट किया हुआ कोड है, ठीक है? मैंने खुद से कुछ भी नहीं लिखा, ओके? उसके बाद मैंने इस मॉडल को जैसे ही चलाया फॉर 5 epochs, तो यू कैन सी जो मेरा मैक्सिमम वैलिडेशन एक्यूरेसी आई वॉज एबल टू रीच वॉज 57%, 57% का एक्यूरेसी आ रहा था विदाउट डेटा ऑगमेंटेशन, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने डेटा ऑगमेंटेशन अप्लाई किया, ठीक है? अब डेटा ऑगमेंटेशन अप्लाई कैसे करते हैं, ऑन द एंटायर डायरेक्टरी, लाइक अगर आपके पास इस तरीके से डेटा ऑर्गेनाइज है तो कैसे करोगे, देखो एक बारी। सो यहाँ पे भी आपने सेम चीज को इम्पोर्ट किया, केराज प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज, इमेज जनरेटर को इम्पोर्ट किया, ठीक है? उसके बाद आप क्या करते हो, अभी ये बहुत डरावना सा कोड अगर लग रहा है तो बस इतने पे फोकस करो, सिर्फ इतने पे। सो यहाँ पे आप एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो आपने यहाँ पे किया है, इनफैक्ट थोड़ा कम ही कर रहे हो, ये एग्जैक्ट चीज आप यहाँ पे कर रहे हो। आप एक डेटा जन ऑब्जेक्ट बना रहे हो जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमने बस कुछ ऑपरेशंस रखे हैं, रीस्केल, शेयर, जूम, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, बाकी ऑपरेशंस यूज भी नहीं कर रहे, ठीक है? और जो हमारा टेस्ट वाला है उस पे हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज रीस्केल, और उसको 1/255 कर रहे हैं। कोई सोच के बता सकता है कि हम बाकी ट्रांसफॉर्मेशंस क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हैं टेस्ट वाले के ऊपर? ओके, सो द रीजन इज कि आप टेस्ट पे प्रिडिक्शन करोगे, ट्रेनिंग करते टाइम आपको डेटा ऑगमेंटेशन करना है, डेटा को बढ़ाने के लिए या ओवरफिटिंग रिड्यूस करने के लिए आप टेस्ट डेटा में छेड़छाड़ नहीं करोगे, ठीक है? दैट इज वाई आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे, टेस्ट वाले को एज इट इज रहने दोगे, सिर्फ ट्रेन वाले में छेड़छाड़ करोगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज दिस, दिस पार्ट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू दिस पार्ट, डेटा डॉट फ्लो जो यूज कर रहे थे, यहां पे अब आप क्या यूज करोगे, फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, ठीक है? सो अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा इस तरीके से ऑर्गेनाइज है कि आपका एक क्लास पूरा एक फोल्डर के अंदर है, दूसरा क्लास पूरा दूसरे फोल्डर के अंदर है, तो आप क्या करते हो, आप फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी यूज करते हो, ठीक है? और फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी में आप बस पाथ बता देते हो कि डेटा कहां पर है। जैसे मेरे केस में, मेरे फाइल के रेफरेंस में, लाइक दिस इज माय फाइल, इसके रेफरेंस में डेटा डेटा के अंदर ट्रेन के अंदर है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि मेरा टारगेट साइज कितना रहेगा, मेरा बैच साइज मैंने बता दिया 16 है, अगेन इस ब्लॉग से लिया, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए। क्लास मोड इज बाइनरी, सिंस वी यूज बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस वी नीड बाइनरी लेबल्स, ठीक है? और उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे वैलिडेशन सेट जो साथ में मैं चलाऊंगा टू टेस्ट मेरा डेटा कैसा जा रहा है, वैलिडेशन वाले के ऊपर सेम चीज है, यहाँ पे भी कैट्स के 500 इमेजेस हैं और डॉग्स के भी 500 इमेजेस हैं, ये मेरा वैलिडेशन सेट है, ठीक है? सो मैंने वैलिडेशन सेट के ऊपर टेस्ट डेटा जेन लगा दिया विच इज दिस वन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ स्केलिंग हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे फोल्डर अलग हो गया, टारगेट साइज सेम हो गया, बैच साइज ये रहा, क्लास मोड बाइनरी, ठीक है? जैसे इस कोड को रन किया, ये क्या बोल रहा है, फाउंड 2000 इमेजेस बिलोंगिंग टू टू क्लासेस, ये ट्रेनिंग का आ रहा है, ठीक है? और फिर यहां आ रहा है फाउंड 1000 क्लासेस, 1000 इमेजेस बिलोंगिंग टू टू क्लासेस, ये वैलिडेशन का आ रहा है। ये देखो, ये रहा मेरा ट्रेन, ट्रेन में कैट्स के 1000 और डॉग्स के 1000, तो 2000 ट्रेन में, ठीक है? और वैलिड में कैट्स के 500 और डॉग्स के 500, ठीक है? तो वही यहां पे लिख रहा है कि मुझे इतने इमेजेस मिल गए, ओके, इतने इमेजेस मुझे मिल गए। अब मैंने क्या किया, सेम वही मॉडल यूज किया जो मैंने यहां पे यूज किया था इस जगह पे, दिस इज द सेम मॉडल, एग्जैक्ट सेम मॉडल, ओके, एग्जैक्ट सेम मॉडल। और अब क्या करोगे आप, जब भी एक चीज, अब याद रखना गाइस, ये थोड़ा नया है, जब भी आप इमेज जनरेटर यूज करते हो,
जब भी आप इमेज डेटा जनरेटर यूज करते हो तो आप मॉडल डॉट फिट के बदले फिट जनरेटर को कॉल करते हो, ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई देने के बदले आप ट्रेन जनरेटर देते हो, तो ये थोड़ा अलग पाइपलाइन के थ्रू सारा काम हो रहा है। सो ये ट्रेन जनरेटर के पास सारे इमेजेस हैं। सो एक चीज और ध्यान रखना गाइस कि होता क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास 1000 2000 फोटोज हैं, आप उन 2000 फोटोज के ऊपर डेटा ऑगमेंटेशन करके नए इमेजेस बना रहे हो, राइट। अब वो नए इमेजेस जो बन रहे हैं वही ट्रेनिंग के टाइम में यूज होंगे, ओरिजिनल वाले यूज नहीं होंगे, ये वाला याद रखना। जो आपके ओरिजिनल 2000 इमेजेस हैं वो यूज नहीं हो रहे हैं, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और जो नया इमेज बन रहा है वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो ट्रेन जनरेटर के अंदर जो भी इमेजेस हैं वो आप ट्रेनिंग में भेज रहे हो, ठीक है। और ईपॉक्स 25 मैंने सेट कर रखा था, बट मैं आपको 5 पे दिखाऊंगा कैसा जा रहा है। और वैलिडेशन डेटा में मैंने वैलिडेशन जनरेटर डाल दिया, ठीक है। और ये स्टेप्स फॉर ईपॉक क्या है थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी देखो, जब मैंने इसको ट्रेन किया आफ्टर डेटा ऑगमेंटेशन, और यहाँ पे देखो साइड बाय साइड इसको कंपेयर करते हैं, सो यहाँ पे 5 ईपॉक्स के बाद सेम आर्किटेक्चर पे एक्यूरेसी वॉज कमिंग आउट टू बी 57%। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 ईपॉक्स के बाद हम 69% के ऊपर थे, ठीक है। तो यू कैन सी तुरंत बढ़ गया अपना परफॉर्मेंस मॉडल का, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया, इसी मॉडल को और ज्यादा ट्रेन किया टिल 25 ईपॉक्स जितना टाइम था मेरे पास, और मेरे पास 74% का एक्यूरेसी आ रहा था इस पॉइंट पे, वही 75 कह रहा हूँ, ठीक है। सो दैट वॉज द वीडियो गाइस। आई होप मैं आपको समझा पाया डेटा ऑगमेंटेशन टेक्निक कैसे काम करता है। फ्यूचर में इफ पॉसिबल हम लोग किसी प्रोजेक्ट में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, किसी प्रॉपर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।